CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध शिक्षा नगरी कोटा का इस बार एक अलग ही रूप देखने में आया है। जब देश भर के अनेक राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स ने कोटा में जमकर मस्ती की। दरअसल कोटा जिला कलेक्टर ओम कसेरा की पहल पर जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों के सहयोग से कोका यानी कोटा कार्निवल का आयोजन किया। आयोजन का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के तनाव से मुक्त करना और सहज सरल वातावरण में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना है। इसके तहत दो दिवसीय कोटा कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसका आगाज शनिवार को हुआ। कार्यक्रम के दौरान डीजे, डांस, मस्ती, स्टैंड अप कॉमेडी, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि का अरेंजमेंट किया गया, जिसका स्टूडेंट ने जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में देश के जाने माने टिकटॉक स्टार, कॉमेडियंस और सिंगर्स को बुलाया गया। बच्चे अपने पूरे जो स्ट्रेस वाला माहौल होता है उससे आज दो दिन के लिए अपने आप को इस तरह के माहौल में लेके आए हैं कि वो जितना भी तनाव है उससे आज दूर हो रहे हैं और एक नई एनर्जी को यहाँ से लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया से वो आने वाला जो उनका समय जो कि एग्जाम का समय है उसके लिए और तरोताजा होकर के जाएंगे और निश्चिंत होकर के उसमें अच्छा परफॉर्म करें। मैं ये मानता हूँ कि ये प्रयास हमारे छोटे छोटे स्तर पर तो हमेशा हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा जो प्रयास हुआ है ये पहली बार हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा सभी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी उनका भी बहुत अच्छा रोल रहा और कोटा के सभी कोचिंग ने मिलकर के ये दो दिन का जो मेला बच्चों के लिए कराया, इससे हमारे पूरे भारत के लिए एक संदेश हम देना चाह रहे हैं कि ये जो कोटा है, जो मिनी इंडिया है, ये भारत को जुड़ने की बात भी कह रहा है और मस्त रहने की और खुशी रहने की बात भी कह रहा है। एक सपना देखा था और वो सपना आज साकार आपके सामने हुआ है। आप खुद देख रहे हैं कितनी भीड़ है, बच्चों में कितना उत्साह है, सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, उनके बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान है, इसी मुस्कान को पाने के लिए अपन ने ये सब आयोजन किया था और आप आशा करता हूँ कि वो मुस्कान लाने में हम कामयाब हुए और ये हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि मुस्कान उनके चेहरे पे हमेशा बनी रहे। नहीं, बहुत अच्छा इवेंट है और ये पर्सन सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। साल में एक बार जैसे कॉलेज में एनुअल फंक्शन का कंसेप्ट होता है, उस तरीके से कोटा भी एक बड़ा एक कॉलेज टाइप ही है, तो इसका एक एनुअल फंक्शन टाइप ऐसा फंक्शन होना चाहिए और हर साल इसमें बहुत अच्छे और चीजें जुड़े और चीजें। ये सभी मानते हैं कि कोई भी अपन काम करते हैं उससे एक स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस में ब्रेक लेने से अपन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, तो वही इसका भी उद्देश्य है कि बच्चे जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। पूरे हिंदुस्तान में कोटा एक शैक्षणिक नगरी के रूप में आ रहा है, उभर चुका है। हर जगह यही होता है कि कोटा में बच्चों में कितना तनाव है, तो जो जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स ने ये पहल करी है बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए और कम से कम दो दिन पढ़ाई से दूर रखकर सिर्फ खुशी के माहौल में टैलेंट दिखाना, गाना गाना, नाचना, तो इससे बिल्कुल डिस्ट्रेस होंगे बच्चे और ये पॉजिटिव एनर्जी जो उनमें जाएगी ये आने वाले समय में भी उनको कैरी फॉरवर्ड करेगी।